Hello children, welcome to Asa Education. Today we will do Minerals and Energy Resources from Contemporary India Part 2, Grade 10 CBSE. Haban came to Guwahati with his father from a remote village. Haban jo hai Guwahati aaya apne father ke saath ek bahut hi dur gaon se. He sees people getting into strange house-like objects which move along the road. और उसने देखा कि लोग जो हैं एक अजीब से घरों में जो हैं या अजीब से घर दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स में अंदर घुस जाते हैं और वो रोड के साथ साथ चलता रहता है। He also sees a kitchen dragging a number of house along with it। उसने देखा कि एक किचन भी है जो कई सारे अपने जो हाउसेज हैं उनको अपने साथ ले जा रहा है। He is amazed and asks his father, why don't our houses move like the new one we saw in Guwahati? अब उसने अपने फादर से जो थोड़ा सा तो सकपकाया, फिर उसने जो है अपने फादर से पूछा कि हमारे घर ऐसे क्यों नहीं होते, हमारे घर ऐसे क्यों नहीं मूव करते जैसे कि अभी हमने देखे थे गुवाहाटी के अंदर। वो अपने फादर को बा बोलता है। बा रिप्लाइज, दीज आर नॉट हाउसेस, दे आर बसेस एंड ट्रेन्स। उन्होंने कहा ये घर नहीं है, ये बस और ट्रेन है। अनलाइक अवर हाउसेस, दीज आर नॉट मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मेटल लाइक आयरन एंड एल्यूमिनियम आर यूज्ड इन मेकिंग दीज। जिस तरह से हमारे घर बने होते हैं पत्थरों से या ईंट से, उस तरीके से ये जो है मेटल से बने होते हैं जिसमें आयरन और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है। दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये अपने आप नहीं चलते। दे आर ड्रिवन बाय एन इंजन व्हिच नीड्स एनर्जी टू वर्क, ये जो है एक इंजन द्वारा चलाए जाते हैं और जिसको एनर्जी की जरूरत होती है अपने आप को काम करवाने के लिए। वी यूज डिफरेंट थिंग्स इन अवर डेली लाइफ मेड फ्रॉम मेटल, हम डेली लाइफ में बहुत सारी अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि मेटल से बनी होती हैं। कैन यू लिस्ट अ नंबर ऑफ आइटम्स यूज्ड इन योर हाउस मेड ऑफ मेटल्स, क्या आप उन आइटम्स की लिस्ट बना सकते हैं जो मेटल से बनी होती हैं और आपके घर में उसका इस्तेमाल होता है। वेयर डू दीज मेटल्स कम फ्रॉम, अब ये मेटल्स आते कहाँ से हैं। यू हैव स्टडीड दैट द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स, आपने पढ़ा था कि जो अर्थ का क्रस्ट है वो बहुत अलग अलग मिनरल्स से बना है जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट, और बहुत सारे मेटल्स जो हैं इन्हीं मिनरल्स से निकाले जाते हैं जब उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, रिफाइनमेंट किया जाता है, तब जो है कई सारे अलग अलग मेटल्स प्राप्त होते हैं। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ अवर लाइफ, मिनरल्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू अ टावरिंग बिल्डिंग और अ बिग शिप, ऑल आर मेड फ्रॉम मिनरल्स, हम जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज, चाहे हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो एक छोटी सी पिन हो या बहुत बड़ी सी बिल्डिंग हो या बहुत बड़े शिप हो, सबके सब जो है वो मिनरल से बने होते हैं। द रेलवे लाइन एंड द टारमैक ऑफ द रोड्स, अवर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम द मिनरल्स, बड़ी बड़ी ये जो रेलवे लाइन्स होती हैं या जो रोड के किनारे पेविंग करी जाती है या इम्प्लीमेंट या जो मशीनरी हम इस्तेमाल करते हैं सब मिनरल से बने होते हैं। कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम मिनरल्स एंड रन ऑन द पावर रिसोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ, जितनी भी कार्स हैं, बसेस हैं, ट्रेन, एरोप्लेन सब जो है इन्हीं मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं और फिर ये पावर से रिसोर्सेज के द्वारा चलाए जाते हैं जो कि हमें अर्थ से मिलती है। Even the food that we eat contains minerals. हम जो खाना खाते हैं उसमें भी minerals होते हैं। In all stages of development, human beings have used minerals for their livelihood, decoration, festivities, religious and ceremonial rites. चाहे कोई भी स्टेज हो डेवलपमेंट की, ह्यूमन बींग जो है हमेशा मिनरल का इस्तेमाल करते हैं अपनी जीविका के लिए, सजावट में, त्योहारों में, धर्म के लिए या फिर जो भी उनके रिचुअल्स होते हैं सेलिब्रेशन के, उसमें जो है मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ, एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग, जो टूथपेस्ट है वो हमारे दांत साफ रखता है। अब उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मिनरल्स होते हैं जैसे कि सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड या बहुत जो है फॉस्फेट के मिनरल्स होते हैं जो कि सफाई का काम करते हैं। फ्लोराइड विच इज यूज टू रिड्यूस कैविटीज कम फ्रॉम अ मिनरल फ्लोराइड, अब ये जो फ्लोराइड जो हमारी कैविटी को कम करता है उसको जो है कहाँ से आता है, वो एक फ्लोराइड मिनरल है उससे मिलता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम फ्रॉम द मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल, इल्मेना, इल्मेनाइट एंड एंटेज, अब जो
टूथपेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर सफ़ेद कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें जो है टाइटेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल होता है जो कि हमें मिनरल्स से प्राप्त होता है, जैसे रूटाइल है, एल्मिनाइट है और एनाटेज है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम माइका। जो स्पार्कलिंग दिखती है आपको टूथपेस्ट के अंदर वो माइका से आती है। द टूथब्रश एंड द ट्यूब कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड ऑफ प्लास्टिक फ्रॉम पेट्रोलियम। जो आपका टूथब्रश है या जो ट्यूब जिसमें वो पेस्ट भरा हुआ होता है वो प्लास्टिक से बने होते हैं जो कि हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं। फाइंड आउट वेयर दीज मिनरल्स आर फाउंड। अब आपको ये पता करना है कि ये मिनरल्स बेसिकली मिलते कहाँ हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। लाइफ प्रोसेसेस कैन नॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स। जितनी भी लाइफ है उसका प्रोसेसिंग जो है तब तक नहीं हो सकती जब तक मिनरल्स नहीं होंगे। Although our mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients, जबकि अगर देखा जाए तो हमारी जो minerals की intake है, यानी हम जो भी चीज खाते हैं उससे जो mineral हमारे अंदर जाता है वो खाली 0.3% होता है total उसका जो भी nutrients हम लेते हैं। They are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the other 99.7% of the foodstuffs. और ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है, इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसके बगैर जितना हम और फूड स्टफ्स खाते हैं जो लगभग 99.7% का हिस्सा कवर करते हैं, वो जो है उसको हम पचा नहीं पाएंगे या हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अगर मिनरल्स ना हो। व्हाट इज अ मिनरल। अब मिनरल क्या होता है। जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजीनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस विद अ डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर। जियोलॉजिस्ट जो है वो बताते हैं कि मिनरल जो है एक बिल्कुल एक जैसा नेचुरली ऑकर होने वाला सब्सटेंस है जिसका एक अपना डेफिनेट इंटरनल स्ट्रक्चर है। मिनरल्स आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म्स इन नेचर। अब ये जो है अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं नेचर में, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टेल्क। अगर इसकी रेंज देखी जाए तो इतना ठोस होता है जैसे कि डायमंड है और इतना सॉफ्ट होता है जैसे कि टेल्कम पाउडर है। वाया दो से दे सो वेरीड। अब इसमें इतनी भिन्नता क्यों है।